आंसर ऑलरेडी कुणाल दे चुका था थोड़ी देर पहले, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, एक रिपीट कर देता हूँ इसको कि व्हाट दे सेड, दे सेड दे आर परचेसिंग द गुड्स। ओके, जब परचेस होगा तो जॉइंट वेंचर ही डेबिट होगा, ये क्लियर है, जब परचेस होगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। ओके, सो देयर आर टू ऑप्शन, एक तो ये हो सकता था, नहीं तो ये हो सकता था। ठीक है, बट आगे क्या बोला है कि किसने परचेस किया, को वेंचर ने। ओके, है ना, को वेंचर ने परचेस किया है, तो जो पैसा है वो बैंक से नहीं गया ना, तो इसलिए बैंक अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा उसके जगह पे, को वेंचर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट को वेंचर कैपिटल अकाउंट ये वाला आएगा, दैट्स व्हाई डी इज करेक्ट। ओके, सेकंड, चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ गुड्स टेकन ओवर बाय द को वेंचर, बराबर है ना, स्टॉक ऑफ गुड्स टेकन ओवर, को वेंचर लेके गया। ठीक है, और मेथड कौन सा है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर देयर, सो गुड्स गया मतलब को वेंचर, यानी सॉरी ये जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, ये तो पक्का है कि जब आया तब डेबिट होता, अभी गया तो क्रेडिट होगा। देन आगे अभी डेबिट क्या होगा, तो ये बात आती है, तो देखो डेबिट क्या होगा, हु इज टेकन ओवर, को वेंचरर इज टेकन ओवर, है ना, इसलिए जो वेंचर कैपिटल है वो डेबिट होता है, वो बिका नहीं है ना। ठीक है, ये तो हो, देखो गुड्स विल अकाउंट डेबिटेड जॉइंट बैंक है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी जॉइंट बैंक है तो ये नहीं आएगा, क्लियर, इन दोनों में से ये वाला करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, इट इज डी। ओके, अभी क्यों, देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है, इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अभी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, व्हेन सेपरेट सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, राइट, है ना, तो जब सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, तो जब सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहे हो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है ना उसके डेबिट आएगा प्रॉफिट में, क्लियर ना। हाँ, जो भी देखो जो प्रॉफिट होता है वो डेबिट होता है और अगर लॉस आता है तो क्रेडिट होता है। आपने देखो ट्रेडिंग अकाउंट देखा है, ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट डेबिट में आता, लॉस क्रेडिट में आता। आगे दूसरा अपना क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें भी प्रॉफिट डेबिट में आता है, लॉस क्रेडिट में आता है। वैसे जॉइंट वेंचर में भी प्रॉफिट होगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, ये पक्का है। सो इन दैट केस ये एक ऑप्शन बचता है, ये दूसरा ऑप्शन बचता है। ओके, नाउ अभी दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे या फिर वेंचर कैपिटल में लिखे। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे होता है, जब सेपरेट बुक्स इज नॉट मेंटेन, सेपरेट बुक्स इज नॉट मेंटेन, तब ये वाला आएगा। और सेपरेट बुक्स मेंटेन के लिए कौन सा आएगा, ये वाला आता है। ओके, फॉर सेंडिंग कैश टू अनदर, बी सर, ओके, नो इंटरेस्ट पास्ट। ओके, क्यों, क्योंकि हियर दे आर यूजिंग द वर्ड इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है ना, इसके बारे में बता दो आपको कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, इसमें मैंने कल के क्लास में बताया था कि बस इसमें ये वाला ही अकाउंट बनता है, कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनता। लेकिन जब हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं तब उसमें जॉइंट वेंचर बनता है, जॉइंट बैंक बनता है और को वेंचर बनता है, बराबर है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेथड ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, और ये जो मेथड है इज नॉट फॉलोइंग डबल एंट्री, क्लियर ना, ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता, यही डिफरेंस है। तो फिर इन दोनों में फिर करना क्या है, तो इस मेमोरेंडम को किस लिए बनाते हैं, ओनली टू नो
प्रॉफिट और लॉस, एक तो प्रॉफिट पता करने के लिए, नहीं तो लॉस पता करने के लिए। ओके क्लियर है ना। तो इसलिए अभी इसमें क्या बोला है कि सेंडिंग कैश टू अनदर को वेंचर, अभी सेंडिंग कैश है, एक बंदा कैश दे रहा है और दूसरे को कैश मिल रही है। मुझे एक क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि अगर मैं आपको कैश देता हूं तो किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा, समझा मेरा क्वेश्चन? सर वाई को प्रॉफिट होगा ना। नहीं अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन की ए सेंड कैश टू बी है ना, ए कैश बी को कैश दे रहा है, किसको प्रॉफिट होगा किसको लॉस होगा? लॉस को, ए को लॉस होगा ना, ए को लॉस होगा। कैश देना मतलब लॉस होता है क्या? पक्का सर ए को लॉस होगा, बी को प्रॉफिट होगा। देखो पहली बात तो इसमें प्रॉफिट और लॉस का नाम ही नहीं आता, हो सकता है कि इसने इसको एक्रुअल बेस पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है, उधार दिया है, तो फिर प्रॉफिट होगा क्या, लॉस होगा क्या? नहीं ना। नो, सेंडिंग कैश ये कहीं पे भी परचेस या फिर सेल है ना, ऐसा कोई नहीं है। इट इज जस्ट सेंड अ कैश, बस कैश भेजा है, तो कोई प्रॉफिट भी नहीं है और कोई भी लॉस नहीं, कल जाके बी इसको रिटर्न कर देगा, बराबर है ना? जैसे हम अपने दोस्तों के पास से पैसे लेते हैं वैसे ही करेगा, आज ए ने बी को दिया कल बी ए को दे देगा पैसा, राइट? एंड दैट्स व्हाई दैट इज अ देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस, ठीक है, देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सो जब प्रॉफिट और लॉस ये वर्ड आया ही नहीं है, तो फिर जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना, ये वाला वर्ड कौन सा, ये जो हम लोग बोल रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ये बस प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखो इट इज कभी भी इसमें एक ही एंट्री होगी, इसमें कभी भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता, डबल एंट्री है ही नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अकाउंट है, एक ये दूसरा ये, हम लोग ये बनाते ही नहीं है, इसमें भी एक ये दूसरा ये। अभी इसमें भी बात क्या है कि दैट इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, और यहाँ पे जॉइंट वेंचर बोला है तो ये वाला तो भी वैसे नहीं आएगा, मेमोरेंडम नाम होना चाहिए था, नहीं है। अभी वाई एस अकाउंट इज डेबिट एंड मेमोरेंडम जॉइंट अकाउंट इज क्रेडिट, ऐसा बोला है, तो इट इज नॉट फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, देयर इज नो एंट्रीज पास, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए ने बी को दिया है पैसा, ठीक है, वो क्या है, वो प्रॉफिट है लॉस है पता नहीं है, इट इज जस्ट अ सेंडिंग अ कैश, ओके, जस्ट कैश सेंडिंग है, इस वजह से। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, बी आंसर है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है अभी, हाँ इसको एक्सप्लेन करता, पेमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर एक्सपेंस इन केस ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, ओके क्या लिखा है यहाँ पे कि पेमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस इन केस ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, सो एक्सपेंसेस पेड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखते, ठीक है, क्लियर ना? हाँ, तो देखो पहले वाले में भी मेमोरेंडम नाम नहीं है, रिमेम्बर ये नाम होना चाहिए तभी वो एंट्री सही होगी, ठीक है ना, ये नाम होना चाहिए, तो पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में भी नाम नहीं है, तीसरे वाले में भी नाम नहीं है, तो इट इज जस्ट अ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज डेबिट, और वैसे भी पेमेंट किया है तो इसके डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, कैश का, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, समझा? आगे चले, ओके इसमें बताओ क्या आएगा आंसर, द करेक्ट वन इज नन ऑफ दिस, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ, नन ऑफ दिस क्यों, वो बताता हूं कि ही हम लोग क्या कर रहे, एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर ना, हाँ एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो मान के चलते, ठीक है, मान के चलते कि अमित जो है उसने मुझे गुड्स सप्लाई किए, ठीक है, और सप्लाई किस लिए किए, ताकि मैं सेल करूं, क्लियर ना, ठीक है, और मैंने सेल किया, मान के चलते किसने गुड्स सप्लाई किए 1,00,000 रुपए के,
ठीक है, मैंने इसको बेच दिया 150,000 में, ओके ठीक है, मैंने इसको बेच दिया 150,000 में। सो मुझे एक बात बताओ कि अमित मुझसे कितने रुपए लेगा, क्वेश्चन समझा ना, 1,50,000। हाँ, अमित मुझसे कितने रुपए लेगा? 1,00,000 ही सर। 1,00,000 लेगा, 1,50,000 लेगा, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 1,00,000, 1,50,000 या फिर बस 50,000। 1,00,000 सर। 1,00,000। आई एम एजेंट, मैं एजेंट हूँ, उसने मुझे क्या किया, अमित ने मुझे 1,00,000 रुपए के गुड्स दिए और मैंने इसको 1,50,000 में बेचा। आई एम एजेंट, ठीक है, मैं को वेंचरर नहीं हूँ, आई एम एजेंट। तो फिर तो सिंपल सी बात है, कितने में? 1,50,000। तो अमित मुझसे कितना लेगा? 1,50,000। ठीक है, बाद में बात अलग है कि वो मेरा कमीशन भी देगा करके, तो मैंने कमीशन वमीशन इसमें डाला नहीं। अभी अगर मान के चलते, ठीक है, इसी को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको स्क्रीन पे, कि आपने एक अमित ने एक अकाउंट बनाया मेरे नाम का, महेश, उसने लिखा गुड्स सप्लाई किया 1,00,000 का और बेचा 1,50,000 का, ठीक है, तो पता है क्या, यहाँ पे बैलेंस दिखना चालू हो जाता है, कितना? 50,000, बराबर है ना, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस दिखना। अभी महेश अकाउंट इज डेबिट, इसका मतलब क्या होता है, पता है कि महेश को 50,000 मिलेंगे, क्लियर ना, ठीक है, तभी तो ये अकाउंट टैली होगा कि महेश को कितना मिलेगा, 50,000, जबकि तो ये कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन क्या है कि महेश अमित को देगा 1,50,000, क्लियर ना, महेश अमित को क्या देगा, 1,50,000, दैट इज अ करेक्ट वन, ठीक है, जबकि इसके हिसाब से क्या बोलता है कि अमित महेश को कितना देगा, 50,000 देने का बाकी है, ठीक है। सो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो हुआ किया है, हमने ये वाला रूल फॉलो किया है। अगर मान के चलते हैं कि अमित ने डायरेक्ट लिख दिया कि महेश ने 1,50,000 के गुड्स बेचे, अभी इसका मतलब क्या होगा कि दैट बैलेंस, ये बैलेंस क्या होगा, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा किसको, अमित को, ठीक है, क्लियर है, सॉरी से ऐसा नहीं होगा, एंट्री विल बी लाइक दैट, 1,50,000, ठीक है, दैट अगर उसने मुझे डेबिट किया कि इसके पास से मुझे क्या लेने, 1,50,000 की अमाउंट लेनी है, तो फिर ये जो बैलेंस आएगा 1,50,000 वो मुझे मिलेगा, मुझे मतलब किसको मिलेगा, अमित को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से अभी गुड्स सप्लाइड के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज याद रखना कि सप्लाई की जो एंट्री है, सप्लाई टू एजेंट, ठीक है, इसकी एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर सेल बाय एजेंट ऐसा आया है तो इसकी एंट्री होती है, ठीक है, दोनों का वर्ड याद रखना, सप्लाई और कौन सा, सेल, सप्लाई और सेल में डिफरेंस होता है। सप्लाई का मतलब बस बेचने के लिए दिया, अच्छा अगर बेचने के लिए दिया, नहीं बिका तो वो रिटर्न भी कर देगा, है ना, इसलिए वैसे उसकी एंट्री की नहीं जाती है, याद रखना इसका। आगे चलते, बता ना, ये वाला डी है, जॉइंट वेंचर अकाउंट ऐसा बोल रहे आप, ठीक है, देखते हैं अभी इसका करेक्ट आंसर, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ओके, तो देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन ये है, डिस्काउंट चार्जेस ऑन डिस्काउंटिंग अ बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय ए आर डेबिटेड टू, डेबिट क्या करना है, तो सबसे पहली बात है कि जो डिस्काउंट चार्जेस है, ठीक है ना, ये क्या है, इनकम है कि एक्सपेंसेस है, ये इनकम है कि एक्सपेंसेस है, इनकम आंसर, डिस्काउंट मिला ना, नहीं ना, डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट कहाँ पे किया, इसने बिल को डिस्काउंट किया है ना, इस बिल को डिस्काउंट किया, तो बिल का डिस्काउंट हम कहाँ पे करते हैं, बैंक में, बराबर है, बिल का डिस्काउंट कहाँ पे करते हैं, बैंक में, बैंक में अगर मान के चलते आपने एक बिल है 1,00,000 रुपए का, उसको डिस्काउंट किया, तो बैंक क्या करेगा, मान के चलते उसने 1,000 काट दिया, तो बाकी का 99,000 आपको देता है, तो ये जो है 1,000 जो आपने दिया, ये किसको दिया, ये दिया है आपने बैंक को, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, ये रहेगा आपके लिए एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस हो गया फिर ये अपने लिए, बराबर है ना, ये अपना एक्सपेंसेस हो गया, और जो एक्सपेंसेस है इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करते, बराबर है, डेबिट करते। अभी बात है कि डेबिट कहाँ पे करेंगे, एक्स
ये तो पर्सनल अकाउंट होता है, y ये भी पर्सनल अकाउंट होता है, इन दोनों में से कहीं पे कर सकते हैं। और हमारा चैप्टर कौन सा है, हमारा चैप्टर है जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, सो आंसर भी क्या आएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, ठीक है ना। वो वेंचर्स ये वर्ड यूज किया ना जॉइंट वेंचर के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस है तो जॉइंट वेंचर में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर यही क्वेश्चन सोल ट्रेडिंग का रहता था, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का, तो इसका करेक्ट आंसर ये रहता था फिर बी, सॉरी सी, क्लियर है चीज, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है, जॉइंट वेंचर, सो वी आर चार्जिंग ऑन द डेबिट ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसका आंसर बताओ क्या है, बी है, ठीक है। क्या लिखा है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ द ओन स्टॉक फ्रॉम द जॉइंट वेंचर बिजनेस, कहां से सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स ओन स्टॉक से, ठीक है ना, बराबर है। तो फिर क्या होगा, जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा क्या, नहीं, ठीक है ना। देखो गुड्स आए हैं जॉइंट वेंचर में, क्या है, गुड्स आए हैं, ठीक है, सप्लाई किया, सेल नहीं किया, याद रखना इट इज सप्लाई, हाँ सप्लाई किया है, सप्लाई किया मतलब क्या है कि जॉइंट वेंचर में गुड्स आए होंगे, तो जॉइंट वेंचर क्या होगा, डेबिट, क्लियर ना, ठीक है। हाँ नाउ, सो यहाँ पे क्या लिखा, जॉइंट वेंचर क्रेडिट, तो ये गलत है, अदर को वेंचर अकाउंट इज क्रेडिट, ठीक है, अदर को वेंचर अकाउंट इज क्रेडिट, नहीं, सॉरी इट, अदर को वेंचर कहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ओन स्टॉक, मतलब ए बी और सी, ये अगर तीन है और ए सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे लिखा है कि बी सी क्रेडिट करेंगे करके, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एक तो होगा तो यही क्रेडिट होगा, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ए ने सप्लाई किया है, तो ये भी बराबर नहीं है, एंड नन ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक अवेलेबल है हमारे पास, तो गुड सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। यस सर, आगे सर क्या है वो बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अभी क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये वाला वर्ड यूज किया, वो क्या करेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द को वेंचर मेंटेनिंग इन द जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स इज डैश डेबिटेड टू अदर को वेंचर पर्सनल अकाउंट, डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर पर्सनल अकाउंट, ओके, शेयर ऑफ द को वेंचर मेंटेनिंग ऑल द जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स इज, ओके ओके, हियर इज द वर्ड, ये सॉरी ये सी नहीं है, दैट इज बी इज करेक्ट, ओके, ये सी नहीं है, बी इज करेक्ट, मेरे हिसाब से आप में से किसी ने बी को बोला था, रीजन है यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था क्रेडिटेड, क्रेडिटेड होगा क्योंकि इट वॉज इन प्रॉफिट, ओके, तो वो क्रेडिटेड जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होता है प्रॉफिट, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट वाला रूल फॉलो होता है यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट, ओके, ठीक है, दैट बी इज करेक्ट, सी इज रॉन्ग, चलो इसका आंसर बताओ, कुणाल कहाँ पे भाग गया, इसका आंसर क्या आएगा अमित, सर डी, डी, नहीं नहीं कोई कोई सर सर सॉरी सर, ठीक है, गोइंग सर सी आएगा, सी सी आएगा, सी सर, डी और सी में कंफ्यूज हो रहा हूँ, पूछा आएगा डी, डी है, देखो क्या लिखा है, टेकन ओवर, लेके गया, ठीक है ना, यस यस, हाँ लेके गया तो इट शुड बी क्रेडिटेड, ये तो पक्का है, ओके, और लेके गया तो कहां से क्रेडिट होगा, जॉइंट वेंचर ही क्रेडिट होगा। अभी सबसे पहली बात ये आती है कि अमाउंट क्या रहेगा, बराबर है ना, ठीक है, हाँ अमाउंट क्या रहेगा, तो इट वॉज 20% लेस बोला है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 10,000 माइनस 20%, तो 10,000 का 20% कितना होगा, 2,000, बैलेंस विल बी 8,000, ठीक है, तो 8,000 विल बी क्रेडिटेड टू द जॉइंट वेंचर, यस, ओके,
यस सर। फॉर्म मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम सर, ए आंसर है ये आएगा। यस सर। क्या लिखा है एक बार देखते, करेक्ट वाला कौन सा है? तो करेक्ट इज है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। मटेरियल सप्लाई फॉर ओन स्टॉक है फ्रॉम को वेंचर, करेक्ट। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, ठीक है, सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पे गुड्स का नाम नहीं आता है, तो एकदम परफेक्ट। सप्लाई है तो जॉइंट वेंचर डेबिट, को वेंचर कैपिटल इज क्रेडिटेड। परचेस किया प्लेस एंड सोल्ड गुड फॉर 50, सोल्ड किया The correct one is A. Okay? इसको explain कैसे करेंगे? इसको अगर explain करने के लिए जाते हैं तो देखो क्या लिखा यहाँ पे, गोस्टिंग का 1 लाख रुपए है, बी ने उसको 1.5 लाख में बेचा है ना, सो फाइनल रेमिटेंस क्या होगा, ठीक है, किसने? ओके, करेक्ट आंसर आ गया हमारा, कौन सा है? बी है, ठीक है। बी। अभी ये क्यू है, यस सर। ओके ठीक है, तो देखो अभी इसमें क्या लिखा है, इसको एक्सप्लेन। इफ द अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 इज टेकन ओवर बाय द वेंचरर एट 15,000, ठीक है, कितने में लेके गया? 15,000 में, ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, ऐसा लिखा है। देखिए जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम लोग कितने से क्रेडिट करेंगे, ओके ठीक है, ये बोला ना। Now, से अगर मैं यहाँ पे बनाता एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक बनाया मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट, अभी गुड्स कितने के है? 20,000 के, बराबर है ना, गुड्स कितने के है? 20,000 के गुड्स है, ठीक है, और लेके कितने में जा रहा? 15,000 में। अभी बात आती है कि से एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलते हैं कि आपने कोई चीज 20,000 में खरीदी, ठीक है ना, 20,000 में खरीदी और उसको बेचा कितने में? 15,000 में, क्लियर, ठीक है, तो आप सेल का एंट्री कितने का करोगे? 15,000 का करोगे कि 20,000 का करोगे? 15,000 का करोगे, बराबर है ना, तो इट इज सेम। अभी ये गुड्स लेके गया, यहाँ पे लिखा है कि इट्स टेकन ओवर, इट मींस सेल, ठीक है ना, लेके गया बोला ना, तो मतलब कि ये सेल ही है, बस वो क्या है कि वो सेल में क्या होता है कि पैसा नहीं आता, उसका नाम नहीं लिखते हम लोग, ठीक है, जो लेके जाता है ना उसका नाम लिखते, सेल नहीं लिखते, ठीक है ना। सो 20,000 का गुड्स 15,000 में लेके गया तो यू विल बी क्रेडिटेड बाय 15,000, क्लियर। हाँ, कितने की एंट्री करेंगे? 15,000 की, 20,000 की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इसका आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, बहुत सिंपल था। अगेन क्या है? डिस्काउंटिंग चार्जेस, बराबर है ना, ठीक है, और वो भी किसके? बिल के ऊपर के, तो इट इज एक्सपेंसेस, है ना, ये क्या है अपने लिए? ये एक्सपेंसेस है, ठीक है, और एक्सपेंसेस तो कहां लिखेंगे? डेबिट टू द जॉइंट वेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे, को वेंचर को भी डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, को वेंचर को क्या करेंगे? अगर ये होगा तो क्रेडिट कर सकते हैं को वेंचर को अपन, None of the above, ये तो है ही नहीं। चलो आगे कितना है? A. अभी ऐसा क्यू, ठीक है, इसको मैं ना सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यू कि A आंसर करेक्ट है करके। तो देखो क्या लिखा है, M and N enter joint venture, ठीक है ना, where supply of goods of rupees कितना है? 6,000 का, और स्पेंड कितना किया? 300, ठीक है, मैं एक बनाता हूं आपको जॉइंट वेंचर,
सप्लाई ऑफ गुड्स कितने का है? 6,300 का क्या एक्सपेंस। एन ने इसको क्या किया? सेल किया। कितने में? 7,800 में। 7,800 में सेल किया। एंड पेइंग सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी क्या है? एक्सपेंसेस है। तो ये कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तो देखो प्रॉफिट कितना आया, तो ये हो गया 7,800, ठीक है। 7,800 में से 6,600 गए, मतलब कितना बचा? 1,200, बराबर है ना। 1,200 ये क्या आया? प्रॉफिट। और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, कितना? 600 600, इसको एक एम का और एक एन का। नाउ द क्वेश्चन इज एन रेमिट द टू एम, एन ने एन को दिया, द अमाउंट इज रेमिटेंस विल बी, अभी अमाउंट क्या रहेगा? तो देखो एन ने कितने में बेचा था? एन ने बेचा था 7,800 में, 7,800 में बेचा था, ठीक है। और खर्चे कितने दिए थे? 300। तो एन क्या करेगा? एन अपना हिस्सा 600 रुपए ये इसमें से माइनस करेगा, और अपना खर्चा माइनस करेगा 300। तो बैलेंस कितना बचता है इसमें से? अभी 7,800 में से 900 रुपए गए, तो कितना बचा? 6,900। क्लियर? यस सर। ओके, समझा दोनों को? ठीक है। यस सर। ओके, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 35।